हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, यहाँ पे आपको एक एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ मिल रखा है, यानी कि एडिशन कराना है. बट द पॉइंट इज कि दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, एंड इफ इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड इट विल फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड इफ यू फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द प्रोडक्ट विल बी ऑपोजिट टू द मार्कोवनिकोव्स प्रिंसिपल. सो एंटी मार्कोवनिकोव विल फॉलो. और एंटी मार्कोवनिकोव प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. मार्कोवनिकोव प्रिंसिपल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाकर के लगेगी, इस HBr की हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन जिसमें ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है. ये मार्कोवनिकोव प्रिंसिपल कहता है. तो एंटी कर देंगे तो यानी कि जहां पे हाइड्रोजन कम है ये हाइड्रोजन वहां जाकर के जुड़ जाएगी. सो इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे कम है. अगर इसका रेडिकल बनाएंगे, मतलब हम अगर हम वैसे भी देखें यहाँ पे अगर मूवमेंट होता भी है, इफ हाइड्राइड शिफ्ट इज देयर, तो यहाँ पे वैसे भी इस वाले कार्बन पे रेडिकल बनना है तो हाइड्रोजन ही लगना है इसके ऊपर. देयरफोर यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ए वाला. हाइड्रोजन जो जाएगी वो इस वाले कार्बन पे जाएगी जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन जो जाएगा वो उस वाले कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दी एंटी मार्कोवनिकोव रूल. ए ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक यू.